हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाले बिजर्क एनिमे सीरीज के वॉच ऑर्डर के ऊपर। इस एनिमे के लेटेस्ट इसके तमाम सीजन्स, मूवीज और इसके स्पेशल एपिसोड्स के ऊपर हम बात करेंगे, तो इतना इजी और सिंपल हो सके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सीरीज को स्टार्ट करेंगे इसके सीजन 1 से, जिसका नाम था बिजर्क, जो रिलीज हुआ था अक्टूबर 8, 1997 से लेकर अप्रैल 1, 1998 तक। इस फर्स्ट सीजन के अंदर आपको टोटल 25 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड के लेंथ है नियरली 25 मिनट और माय एनिमे लिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिलती 8.55 की। और ये एनिमे हिस्ट्री में सम ऑफ द बेस्ट क्लासिक एनिमेज में इंक्लूड होता है। तो इस सीजन को देखने के बाद अब इस सीरीज की फर्स्ट मूवी देखेंगे, जिसका नाम था बिजर्क द गोल्डन एज आर्क द एग ऑफ द किंग। ये मूवी रिलीज हुई थी फरवरी 4, 2012 को। इस मूवी के लेंथ टोटल 1 आवर 16 मिनट और माय एनिमे लिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.71 की। ये बेसिकली इसके ओरिजिनल सीजन 1 का रिकैप है, लेकिन काफ़ी बेटर एनिमेशन में है। तो इसके बाद अब इसका सेकंड मूवी देखेंगे, जिसका नाम था बिजार्क द गोल्डन एज आर्क 2 द बैटल ऑफ डोल्ड्री। ये मूवी रिलीज हुई थी जून 23, 2012 को। इस मूवी के लेंथ टोटल 1 आवर 32 मिनट और माय एनिमे लिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.87 की। ये इसके ओरिजिनल सीजन का सेकंड हाफ है। तो इस मूवी को देखने के बाद अब इसकी थर्ड मूवी देखेंगे, जिसका नाम था बिजार्क द गोल्डन एज आर्क 3 द एडवर्ड। ये मूवी रिलीज हुई थी फरवरी 1, 2013 को। इस मूवी के लेंथ टोटल 1 आवर 50 मिनट और माय एनिमे लिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 8.19 की। ये सबसे पॉपुलर मूवी है बिजार्क सीरीज की। अगर हम इस मूवी के ऊपर बात करें तो ये मूवी फुल बेस है इसके ओरिजिनल सीजन की एंडिंग के ऊपर। इसके अंदर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल देखने को मिलते हैं, जो एनिमी को बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है, जिसकी वजह से मूवी सीरीज के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो इस मूवी को देखने के बाद अब इसका सेकंड सीजन देखेंगे, जिसका नाम था बिजार्क 2016, जो रिलीज हुआ था जुलाई 1, 2016 को। इस सीजन के अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 24 मिनट और माय एनिमे लिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.30 की। ये बिजार्क सीरीज का सेकंड सीजन है, जो इसके सीजन 1 के बाद की स्टोरी देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी एनिमेशन काफी लो थी और काफी एनिमे फैंस ने कंप्लेन की थी कि इसकी एनिमेशन बहुत ही बुरी बनाई गई है, जिसकी वजह से इसकी रेटिंग काफी लो है। तो इसको देखने के बाद अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसका नाम था बिजार्क सेकंड सीजन, जो रिलीज हुआ था अप्रैल 7, 2017 को। इसके अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड के लेंथ है नियरली 24 मिनट और माय एनिमे लिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिली है 6.56 की। तो इस सीजन को देखने के बाद अब इसका एक स्पेशल एपिसोड देखेंगे, जिसका नाम था बिजार्क रिकलेक्शन ऑफ विच। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ था जून 2, 2017 को। एक सिंगल एपिसोड है, जिसकी लेंथ होगी टोटल 24 मिनट और माय एनिमे लिस्ट पर इस एपिसोड को रेटिंग मिली है 5.79 की। अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, वरना आप इस एपिसोड को स्किप भी कर सकते हैं। इस एपिसोड को देखने के बाद अब इसकी एक मूवी देखेंगे, जिसका नाम था बिजार्क द गोल्डन एज डार्क मेमोरियल एडिशन, जो रिलीज हुआ था अक्टूबर 2, 2022 को। इस सीजन के अंदर टोटल 13 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 25 मिनट और माय एनिमे लिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिली है 7.67 की। अगर हम इस सीजन के ऊपर बात करें तो ये सीजन रीकैप है इसके ओरिजिनल सीजन 1997 का, लेकिन इसकी एनिमेशन थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये इतनी हाई या बेस्ट एनिमेशन नहीं है। इसके बाद ये सीरीज कम्प्लीटली अभी तक स्टॉप हो चुकी है और कोई अपडेट नहीं है इसके कोई न्यू सीजन या स्पेशल एपिसोड्स के बारे में। जैसे कोई अपडेट आएगी इस एनिमे के रिलेटेड तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो इस सीजन के रिलेटेड तमाम एपिसोड्स और मूवीज आपको इंग्लिश सब और डब दोनों में देखने को मिल जाएंगी तमाम किस्म की एनिमे वेबसाइट्स पर। तो मेरी कथा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपके फेवरेट एनिमे के वॉच और बताता रहूं। एंड थैंक यू टू वॉच माय वीडियो।